ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतिहास के मरुस्थल पर मां के निशब्द घनघोर शून्य में सत्य को झांकने का व्याकुल सा अलबेला मंतव्य हो अकेला। काल का काल्पनिक दृश्य ढूंढता आरोप स्वरूप वर सत्य को धरा पर सत्य को असत्य मानता सुभावनाओं में लिप्त तोड़ता दिलों की तार अपार समुद्र के द्वार। मानवता से परे सत्य की तलाश का ना मिलता वो सुखमय अनुभव फिर भी ढूंढता वसुंधरा का हृदय सत्य को धरा पर सत्य को धरा। विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासुर यद् भद्रं तन्नासुर। वसुंधरा के मन की इस व्यथा को दूर करने व सत्य की स्थापना हेतु समाज में समानता को परिलक्षित करने के लिए महर्षि दयानंद का उदय सूर्य की प्रकाश की भांति हुआ, जिन्होंने वेदों का अध्ययन कर वास्तविक धर्म की परिभाषा दी। जब विश्व समाज अंधकारमय था, बाह्य आडंबरों में फंसा हुआ, रूढ़ियों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ, अंधविश्वास की चादर ओढ़े, आंखों में भेदभाव की पट्टी बांधे पतन की ओर जा रहा था, उस समय महर्षि दयानंद जी के तेज व प्रकाश ने संपूर्ण विश्व में मानवता का उजाला भर दिया। आर्य समाज उसी युग पुरुष की देन, डीएवी शिक्षण संस्थान उसी महर्षि की आंखों का तारा है। वेदों का प्रचार प्रसार उसी महात्मा की आधारशिला है। मूल शंकर नाम से महर्षि एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में कलेक्टर कृष्ण लाल तिवारी व यशोदाबाई के यहाँ उत्पन्न हुए। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत सुख सुविधा में बीता। आगे चलकर एक पंडित बनने के उद्देश्य से वे संस्कृत वेद शास्त्र व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। कारण चाहे शिवरात्रि पर्व में भगवान की मूर्ति पर भोग लगे चूहे के द्वारा खा जाना रहा, या फिर हैजे से उनकी छोटी बहन व चाचा की मृत्यु रही, ईश्वर तथा जीवन मरण की सभी घटनाएं उन्हें उद्वेलित करती रही। इसी कारण उनके माता पिता ने उनका विवाह किशोरावस्था में करने का निर्णय ले लिया। लेकिन बालक मूल शंकर ने निश्चय किया कि उनका जीवन विवाह करने के लिए नहीं बना है, और वे 1846 ईस्वी में सत्य की खोज में निकल पड़े। महर्षि दयानंद के हृदय में आदर्शवाद की उच्च भावना, यथार्थवादी मार्ग अपनाने की प्रबल दृष्टि, मातृभूमि की नियति को नई दिशा देने का अदम्य उत्साह, धार्मिक सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से युगानुकूल चिंतन करने की तीव्र इच्छा तथा भारतीय जनता में गौरवमय अतीत के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने की भावना, उन्होंने किसी के विरोध तथा निंदा करने की परवाह किए बिना आर्यवर्त के हिंदू समाज का कायाकल्प करना अपना ध्येय बना लिया। अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु महर्षि ने 1875 में गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और समाज कल्याण के लिए अपने सिद्धांत प्रदर्शित किए, जिन्हें हम आर्य समाज के नियम से जानते हैं।
साथ ही विश्व समाज को सत्यार्थ प्रकाश नामक कल्याणकारी ग्रंथ अर्पित किया। उन्होंने शोषित वर्ग व महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए अनेक समाज सुधारक कार्य किए। भारतीय व विश्व समाज में एक नई ज्योत जगाई, जिसका प्रकाश आज भी आर्य समाज व डीएवी नाम से संपूर्ण विश्व में प्रकाशित है। 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में इसी युग पुरुष का जन्म हुआ, जो इस वर्ष भारतीय कैलेंडर के अनुसार आज 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन मनाया जा रहा है। आप सभी आर्यजन समाज व देश सहित संपूर्ण विश्व को डीएवी मंडी परिवार की ओर से महर्षि दयानंद जयंती व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां, धन्यवाद।